hello friends welcome to rias classes ask a session will about the functions performed by a wholesaler this topic is part of unit 14 of the subject marketing management of mco 06 mcom second year ignu before we begin if you like the videos that i'm sharing do hit the like button do share your comments to let me know you find all this useful for your studies also don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos so let us begin with our session नेक्स्ट आप पढ़ेंगे फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय द होल सेलर हमारा जो होल सेलर है वो कितने क्या क्या फंक्शन डिफरेंट तरीके के फंक्शन वो परफॉर्म करता है इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो होल सेलर है वो या तो कुछ लिमिटेड फंक्शन परफॉर्म करेगा या फिर अ वेराइटी ऑफ फंक्शन डिफरेंट तरीके के फंक्शन वो परफॉर्म करेगा और ये सारा फंक्शन की किस तरीके का फंक्शन वो परफॉर्म करेगा वो सारा डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का है उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है उसके कस्टमर्स कितने हैं पूरे रीजन में फैले हैं या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो ये सब हमारे अल्टीमेटली प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो फंक्शन फंक्शन अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करें जो प्राइमरी एक्टिविटीज एक होल सेलर को परफॉर्म करने होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है मार्केटिंग में एक होल सेलर जो परफॉर्म करता है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ असेंबलिंग देन वी हैव डिस्पर्जन Warehousing, transportation, financing, risk assuming. ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग एंड फाइनली प्राइस फिक्सेशन इन सब के बारे में हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं तो सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ असेंबलिंग असेंबलिंग यानी कि हमारा जो होलसेलर है वो हमारे मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का बंदा है ना तो ये बंदा क्या करेगा सामान खरीदेगा सामान सारा खरीदेगा हमारे मैन्युफैक्चरर से और सामान को स्टॉकअप कर देगा ठीक है या तो वो स्टॉक अप करेगा या फिर फर्दर वो सेल करेगा सेल किसको करेगा रिटेलर को अगर रिटेलर की डिमांड जो है कम हो रही है तो वो उसको स्टॉक अप कर देगा

हमको यानी कि कस्टमर को जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे होलसेलर का दैट इज द फंक्शन ऑफ डिस्पर्जन यानी कि सप्लाई करना सप्लाई किसको करेगा वो हमारे रिटेलर को सप्लाई करेगा और जो रिटेलर होता है वो पूरे कंट्री में हर जगह सिटुएटेड होता है ठीक है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह में रिटेलर है तो हर जगह के रिटेलर को प्रॉपर सप्लाई करते रहना प्रॉपर सप्लाई करना प्रोडक्ट्स को प्रू प्रॉपर पूरी तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट प्लेसेस में सप्लाई करना वो भी इन्हीं का काम है और ये जो मूवमेंट का काम होता है गुड्स का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है ठीक है क्योंकि रिटेल जो हमारा कस्टमर है उसका डिमांड कंटिन्यूस आता रहता है हमारे रिटेलर के पास तो रिटेलर के पास भी जो गुड्स है गुड्स का सप्लाई टाइमली पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पे डिस्पर्जन का काम जो है यानी कि जो सप्लाई का काम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो कि अगेन ये एक फंक्शन है जो कि हमारा होल सेलर परफॉर्म जो भी गुड्स जो है गुड्स जो है हमेशा बल्क में लिया जाता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ठीक है जब भी होल सेलर जो है मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदेगा वो हमेशा बल्क क्वांटिटी में ही होगा ठीक है तो वो बल्क क्वांटिटी में होल सेलर अपने पास उसने खरीद तो लिया पर जरूरी नहीं है कि उस बल्क क्वान्टिटी में ही फर्दर रिटेलर उसको प्रोडक्ट मांगे रिटेलर जो है डिमांड के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ही मांगता है ठीक है तो यहाँ पर डिमांड बेसिस पे रहता है डिमांड बेसिस पे ही हमारा जो रिटेलर uh, है वो प्रोडक्ट को डिमांड करता है तो ये जो बल्क में जो प्रोडक्ट लिया है इसने होल सेलर ने ये इसको रखेगा कहाँ पे ये सारा का सारा स्टॉक होता है हमारे वेयर हाउसेस में ठीक है तो यहाँ पे जो स्टोरेज का जो फंक्शन होता है ये स्टोरेज का फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है हमारे होल का तो ये पूरा वेयर हाउसिंग का फंक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये और इस इम्पॉर्टेंट फंक्शन को करता है हमारा होल सेलर नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है दोनों तरफ से मैन्युफैक्चरर से जब वेयरहाउस तक आता है वो वाला ट्रांसपोर्टेशन और जब होलसेलर के पास जो स्टॉक रहता है वहां वेयर हाउसेस से रिटेलर के पास तक पहुंचाना तो ये दोनों जगह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम फैक्ट्रीज टू वेयर हाउसेज एंड फर्दर फ्रॉम वेयर हाउसेज टू सप्लाइंग फर्दर टू अवर रिटेलर्स तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये या तो खुद के वैन से करता है हमारा होलसेलर या फिर किसी करियर के साथ उसका ऑलरेडी डीलिंग होता है तो उन करियर्यर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है तो so, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनदर फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का गुड्स को किस तरीके से गुड्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम फैक्ट्रीज टू वेयर हाउसेज और ये सारा फंक्शन करता है होल सेल नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट आवर होल सेलर परफॉर्मस इज दैट ऑफ फाइनेंसिंग यानी कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है यानी कि क्रेडिट प्रोवाइड करता है टू द रिटेलर्स ताकि रिटेलर्स जो है क्रेडिट पे गुड्स जो हैं फाइ हमारे होल सेलर से फर्दर ले नेक्स्ट फंक्शन इज़ रिस्क कंज्यूमिंग यानी कि रिस्क लेना भी बहुत ही बड़ा फंक्शन है जो कि हमारा होल सेलर परफॉर्म करता है डिफरेंट तरीके के चेंजेस हो सकते हैं एनवायरमेंट में जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो चेंज हो सकता है प्रोडक्ट का डिमांड यानी कि कस्टमर का अगर नीड और प्रेफरेंस चेंज हो गया तो प्रोडक्ट का डिमांड में भी फ्लक्चुएशन आएगा प्राइस में भी चेंजेस हो सकता है जिसके कारण फर्दर जो प्रोडक्ट है वो उसका डिमांड जो है फॉल और राइज हो सकता है तो डिफरेंट तरीके के चेंजेस से हमारी डिमांड पे इफेक्ट करता है और ये जो रिस्क है ये रिस्क की हमारे वेयर वेयरहाउस में अगर प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ तो प्रोडक्ट जो है वहाँ हाउस में पड़ा रहेगा और पड़े पड़े वो खराब हो जाएगा स्पॉइलेज हो सकता है प्रोडक्ट का डैमेज हो सकता है किसी भी तरीके का डैमेज या डिस्ट्रक्शन या वेयर हाउस में आग लग गई तो क्या होगा वो सीधा का सीधा हमारा प्रोडक्ट खराब होगा तो इस तरीके के डिफरेंट तरीके के लॉस जो होते हैं वो सारा लॉस जो है कौन बियर करता है ये सारा लॉस का जो रिस्क होता है ये पूरा का पूरा रिस्क जो होता है वो हमारा होलसेलर सेलर बियर करता है नेक्स्ट फंक्शन इज़ दैट ऑफ ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट जो होता है वो बल्क में आता है लार्ज क्वांटिटी में आता है तो हमारा होलसेलर का काम होता है उसको सॉर्ट करना डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से उसको ग्रेडिंग देना और स्मॉलर यूनिट्स में उसको पैकेज करके रखना ताकि ये स्मॉल पैकेज जो है वो रिटेलर्स को फर्दर सेल कर सके क्योंकि बल्क पे जो है वो रिटेलर खरीदेगा नहीं क्योंकि रिटेलर को भी फर्दर कस्टमर को प्रोडक्ट देना होता है और कस्टमर जो होता है स्मॉल साइज में स्मॉल पैक्स में स्मॉल यूनिट्स में जो है प्रोडक्ट को खरीदता है तो इसके लिए स्मॉलर यूनिट्स में पैकेजिंग करने का काम जो है हमारा होलसेलर करता The last है लास्ट फंक्शन इज दैट ऑफ प्राइस फिक्सेशन जो भी प्राइजेस होता है गुड्स का प्राइजेस सारा होल सेलर फिक्स करता है जो प्राइस अल्टीमेट प्राइस जो हमारा कस्टमर पे करता है दैट विल डिपेंड अपॉन द प्राइस दैट इज़ फिक्स बाय द होल सेलर एज वेल एज द प्राइस दैट इज चार्ज बाय द रिटेलर होल सेलर कितना प्राइस फिक्स करता है एंड फर्दर अपना प्रॉफिट वगैरह लगा के जो रिटेलर है कितना प्राइस चार्ज करता है कस्टमर से दैट विल बी द फाइनल प्राइस तो यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वेरियस फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारा कॉम्पिटिटर्स हो गया कॉम्पिटिटर किस तरीके का गुड सेल कर रहे हैं वो किस प्राइस में दे रहे हैं और जो है डिमांड है वो किस तरीके का है तो ये सारा डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारा होल जो है प्राइस को फिक्स करता है ऑफ़ द गुड्स तो ये सारे फंक्शन हमने पढ़े आठ फंक्शन हमने देखे ये सारे फंक्शन जो है हमारा होल जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं ये सारे और ये सारे एक्टिविटीज़ हमारा होल परफॉर्म करता है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस थैंक यू एंड बाय बाय